नमस्कार, कैसे करें भगवान बृहस्पति की पूजा? मुश्किल होगी आसान, पूरे होंगे रुके काम। गुरुवार को बृहस्पति भगवान की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से ही पुराणों और शास्त्रों में बृहस्पति देव का विशेष उल्लेख किया गया है। घर में सुख शांति, शादी विवाह में हो रही देरी, विजय प्राप्त करने के लिए भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। कैसे की जाती है भगवान बृहस्पति की पूजा, व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कौन थे भगवान बृहस्पति। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान बृहस्पति एक तपस्वी ऋषि थे। इन्हें तीक्ष्ण श्रृंग भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति को अत्यंत पराक्रमी भी बताया जाता है। कहते हैं कि इंद्र को पराजित कर इन्होंने उनसे गायों को छुड़ाया था, इसलिए युद्ध में विजय के अभिलाषी योद्धा इनकी पूजा करते हैं। गुरु बृहस्पति को अत्यंत परोपकारी भी कहा जाता है और ये शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों की हमेशा संकट में सहायता करते हैं। बृहस्पति के बिना यज्ञ सफल नहीं माने जाते, क्योंकि इन्हें ग्रह पुरोहित माना गया है। इनको देवताओं का पुरोहित भी माना गया है। एक कथा के अनुसार ये अंगिरा ऋषि की सुरूपा नाम की पत्नी से पैदा हुए थे। इनकी पत्नियों के नाम तारा और शुभा हैं। कहते हैं एक बार सोम यानी चंद्रमा इनकी पत्नी तारा से प्रेम करने लगा और उसको उठाकर ले गया। इस पर बृहस्पति और चंद्रमा में युद्ध होने लगा। जब ये युद्ध भयंकर होने लगा तो अंत में ब्रह्मा जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और चंद्रमा से बृहस्पति की पत्नी को लौटाने के लिए कहा। चंद्रमा से तारा को बुध नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो एक ग्रह है। बुध ही चंद्रवंशी राजाओं के पूर्वज कहलाते हैं। वहीं महाभारत के अनुसार बृहस्पति के संवर्त और उत्तथ्य नाम के दो भाई भी थे। इनमें से संवर्त के साथ बृहस्पति का हमेशा झगड़ा रहता था। जानते हैं कैसे करें व्रत पूजा पाठ। प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव का ध्यान करना चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहने। गुरुवार को पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा को रखकर देव गुरु चार भुजाधारी मूर्ति का पंचामृत स्नान यानी दही दूध शहद घी शक्कर कराएं। पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल से बने पकवान, चने गुड़ हल्दी या पीले फलों का भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना जाता है। बृहस्पति मंत्र ओम बृहस्पते नमः का जाप करें, उसके बाद बृहस्पति आरती करें। क्या नहीं करना चाहिए? कहते हैं पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ गुरु के व्रत करने से गुरु ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है और गुरु कृपा भी होती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि जो कन्या इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ करती है उसका शीघ्र अति शीघ्र विवाह हो जाता है। लेकिन व्रतधारी को व्रत करने वाले दिन साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि पुरुष को बाल और दाढ़ी आदि नहीं बनवाने चाहिए। इसके अतिरिक्त गुरुवार के दिन घर के किसी भी व्यक्ति को बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से देव गुरु का प्रकोप झेलना पड़ता है। धन्यवाद। समाचार के बाद में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।